सिमरिया गांव अभी हम मौजूद हैं और वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या समस्या है आप? समस्या है कि बारू मध्य विद्यालय 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ है जी। 2 बीघा जमीन है, 30 वर्ग कक्ष हैं, सभा कक्ष है, पुस्तकालय है, सभी आधारभूत सज्जता से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी मध्य का मध्य यह उच्च विद्यालय नहीं बन सका, जबकि सरकार की योजना है कि हर पंचायत में एक मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बना दें। गढ़हारा 1 और गढ़हारा 2 दो पंचायत और बारो दक्षिणी में कई हिंदी भाषी बच्चों के लिए कोई उच्च विद्यालय नहीं है, उसके बावजूद भी इसको उच्च विद्यालय में परिणत किया नहीं गया। इसके लिए बार बार हम लोग लिख रहे हैं, अभी भी एक चिट्ठी आपको हम टकला देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम से सूचना के अधिकार में पूछे, तो मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी को क्या कहते हैं भूमि सुधार विभाग को भेज दिए, वो फिर अब शिक्षा विभाग को भेजा, जिसकी एक प्रति मुझे। तो बिहार सरकार की तो योजना एक थी कि हर पंचायत में एक 10+2 होना चाहिए। जी हाँ, वो उसी आधार पर तो हम लड़ रहे हैं। तो आपके पंचायत में नहीं है 10+2? गढ़हरा 1 गढ़हरा 2 दो पंचायत जो पहला था, अब वो नगर परिषद हो गया है। अच्छा। उसमें नहीं है, एक भी नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से कि सब सुविधा संपन्न है, उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ उसको मंजूरी दे देना है कि 9वां-10वां की पढ़ाई हो। आप इस विद्यालय में शिक्षक हैं क्या? थे। अच्छा थे। अच्छा अभी रिटायर कर गए हैं। जी रिटायर किए हुए, 12 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, आपका गांव कहाँ हुआ? गढ़हरा। अच्छा, आपके सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, उनसे आप कभी बात बोले? हाँ, उनसे भी हम दिए हुए हैं, राकेश सिन्हा जी को भी हम दिए हुए हैं। कब बोले थे इनको, गिरिराज सिंह जी को? जी कब गिरिराज सिंह जी को इस बात को आप कब बताए थे? हो रहा है करीब 6 महीना हो रहा है। तो क्या बोले, करने के लिए बोलते हैं हम? उन और सब अथी पे हम चिट्ठी ले लिए, वो बोले कि इनके अथी पर तो बिहार सरकार में और उस समय के अथी में बनता नहीं था, अब तो दोनों एक हुए हैं, उस समय तो नहीं बन रहा था, इसलिए वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं लिए थे उस समय। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस बात को हम लोग रखेंगे इसमें, ठीक है। और अब चुनाव का समय है तो गिरिराज सिंह जी फिर आएंगे जी, ये बात आप उनसे पूछिएगा कि कहाँ तक हुआ है। एक चिट्ठी निकला और तो हमारे घर पर है, देखिए सूचना के अधिकार में हम पूछे थे, जो उसमें क्या किए वो लिख दिए किसको, राजस्व भूमि सुधार विभाग को, वो फिर राजस्व यहाँ लिख कर लिख रहा है कि हमें ऐसा आया है, अब वो माध्यमिक शिक्षा को दे रहे हैं। अच्छा है ना। हम्म, तो ये तो लटकाने भटकाने वाला काम हुआ। बिल्कुल ठीक है, इसको रख लीजिए। नहीं, आपके यहाँ जो भी प्रतिनिधि, अभी चुनाव का समय है, दो तीन दिन प्रतिनिधि आपके यहाँ आएंगे, तो इस बात को आप भी रखिएगा। गिरिराज सिंह काम किए हैं यहाँ? हाँ, बहुत किए हैं, काम किए जी हाँ। मेरा ये इस संबंध में, हम पार्टी भी कोई पार्टी से नहीं है, क्योंकि हम समाज सेवा संघर्ष समिति चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, हम किसी पार्टी में रहेंगे तो हम ये सामाजिक कार्य नहीं कर सकते। ना, तो रेलवे का काम जो है वो मुख्यतः गिरिराज सिंह के अथी दखल में भी हुआ, जैसे रेलवे इसको बहुत सारी जनता उधर शिकायत कर रही थी कि ओवर ब्रिज नहीं बनाए हैं गिरिराज सिंह। पहले हम जहाँ तक हम अपनी बात है, हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, और की बात तो नहीं बोल सकते हैं। हमारा रेलवे स्कूल खुलवाना था, गिरिराज सिंह खुलवाए, आवाज़ हम लोग उठाए, लेकिन आगे बढ़े तो गिरिराज सिंह। हॉल्ट बंद हो गया था हमारा, हॉल्ट खुला, हॉल्ट पर कमला गंगा का स्टॉपेज हुआ, इस सब का सौंदर्यीकरण हो रहा है सिमरिया अथी का, और सब में इनका सक्रिय सहयोग है। क्षेत्र में आते हैं जी, इस क्षेत्र में तो अभी नहीं आए हैं, हाँ आते हैं, इधर हाल फिलहाल भी आए थे। अच्छा, तो इधर स्कूल शिक्षा कैसा है माहौल, सरकारी स्कूल का क्या हाल है? सरकारी स्कूल में अगर स्पष्ट रूप से, हाँ पढ़ाई तो होती है, स्पष्ट रूप से कहा जाए अगर सरकारी अनुदान बंद हो जाएगा तो स्कूल ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, और इधर हेल्थ का क्या सिचुएशन? हेल्थ का भी अब सिचुएशन अच्छा। जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, वो स्कूल मतलब कब बना और कौन बनवाया था उसको? 1875 ईस्वी में उसके लिए जमीन दिए थे खान बहादुर ताहिर हुसैन। अच्छा। 2 बीघा के लगभग जमीन है, और उसके बाद तो अब सर जमीन पर आइएगा तो 30 वर्ग कक्ष है, एक सभागार है, पुस्तकालय है,
रंगमंच तो मैदान है, इससे अधिक और सुविधा एक उच्च विद्यालय क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल कौन है उसके? हैं विजय कुमार सिंह। तो वो कभी शिकायत नहीं करते हैं? कभी नहीं गए हैं? कहीं लेटर वगैरह नहीं दिए हैं किसी पदाधिकारी? नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते, हम अपना करेंगे। हम करीब साल भर से इस पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा चिट्ठी हमारे पास 4 है जो निर्देशालय से चिट्ठी आया है और डीओ के नाम से, डीओ कोई कार्रवाई नहीं की है, ये चिट्ठी हमारे पास। यह स्कूल तो ऐतिहासिक है, दिनकर जी के रूप में अगर देखें तो इनका क्या योगदान रहा है इस स्कूल के प्रति? दिनकर जी का हाँ। स्कूल के प्रति कोई योगदान? उस स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं? हाँ, प्रारंभिक पाठशाला उनका है, योगदान तो अलग है, उनकी प्रारंभिक विद्यालय है, प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से हुई है। जी जी। उसके बाद उनका कोई मतलब उस स्कूल को लेकर जब वह राष्ट्रकवि के रूप में जाने गए या जब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से उनकी जब मुलाकात होती थी तो उस स्कूल को लेकर के या इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के उनका कोई अगर योगदान आप बताते तो? नहीं, वैसा हमें जानकारी नहीं है। चलिए, आपकी बाजों को हम लोग उठाएँगे। नहीं, हमारा यही है कि 150 का विद्यालय और क्षमता से पूर्ण है तो इसको क्यों नहीं, उसी के ठीक बगल में जी 2 का विद्यालय, 2 ऊपर 2 नीचे, उसके बाद जमीन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। गिरिराज सिंह से कभी आपको मुलाकात हुई तो बताएं ये बात? निश्चित बताएंगे, फिर बताएंगे। हम लिखित पहले कभी बताएं? हाँ, लिखित दिए हुए हैं आपको। हाल फिलहाल जो हॉल्ट में कमला गंगा रुकी है तो हम लिखित चिट्ठी इनको भी दिए हैं, राज्यसभा सांसद को।